अपनी बेटी मानती हैं, पर आपका दिया हुआ ये तोहफा आपके लिए जरा सा भी मायने रखता है? तो कसम है आपको इसी, मुझे सच्चाई बताइए, क्या करने जा रहे हैं ये? अमूली घूंघट ओढ़ लो, घर आ गया। किसी और की नहीं हो सकती, तो मेरी थी, मेरी और हमेशा मेरी ही रहोगी। किसी पंडित के मंत्रों में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। अमोली, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। तुम हिस्सा बन चुके मेरी सोच का, मेरी जिंदगी। इस हवेली में तुम्हारा स्वागत है अमोली, स्वागत है। मालिक आप, मालिक आप। मां कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? अरे उर्मिला, कुछ तो बोलो, ऐसे क्या देख रही हो? ये हमारा राधे है और ये है नहीं अमोली। हमारी चंदना की जान बचाने के लिए मैं किसी ना किसी तरह से इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने इसकी शादी तुम्हारे लाडले के साथ करवा दी, अब इससे बड़ा इनाम इसे क्या मिल सकता है? लेकिन ये शादी कैसे? इस शादी को अंजाम देने के लिए मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये एक बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊं। अब ना तो राधे कहीं भागने वाला है और ना ही अमोली। मैं सच कह रहा हूं ना अमोली, जानती हूं शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, एक जन्म भर का रिश्ता जिससे कोई भी लड़की कभी इनकार नहीं कर सकती। एक ऐसी सच्चाई जो उसे उसके पति के साथ और उसके पति के घर के साथ हमेशा हमेशा के लिए बांधी बांधी। वो घर में डोली में बैठ कर आता है और अब की बंधन की बंधन, और तब तक वो उसी की बनकर रहती जो उसे इस घर में ले आया। अरे इन सब बातों में हम दुल्हन का स्वागत करना तो भूल ही गए। बिल्कुल,
अमोली, अब तुम दरवाजे की चौखट के उस पार जाकर खड़ी हो जाओ। नई नई दुल्हन का स्वागत है, कोई मजाक थोड़ी ना है। सारी रस्में बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए। अमोली, अब तुम ठाकुरों की हवेली में आ गई हो, जोरों शोरों से अगर स्वागत हो तो मजा आएगा। इतनी बड़ी चाल, इतना बड़ा धोखा। बचपन में सुना था किसी से, मुसीबत से जितना दूर भागो वो उतनी ही नजदीक आके खड़ी होती है, लेकिन मेरे लिए तो अब सारी जिंदगी मुसीबत बन गई है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा मैं चाहता था। मेरी माँ, मेरी पत्नी और अमोल सभी ऐसे मुकाम पर जहाँ से आगे तो बढ़ सकते, लेकिन पीछे नहीं हो सकते। आप देखना मत आगे आगे ये खेल क्या रंगा रंगा। अब इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अरे रुको, दाया पैर नहीं, बाया पैर। इस कसम का मतलब जानती है? तुम इस घर में लक्ष्मी बन के आई, हमेशा लक्ष्मी बनकर ही रहना।